मुझे कुछ 6:30-7 बजे फ़ोन आया, जिसकी वाइफ का डेट हुआ है, उसका हस्बैंड का फ़ोन आया, बोले आप नफीस अहमद बोल रहे? बोले हाँ नफीस। बोले आप बात कीजिए। तो डॉक्टर जो सालिम था या, तो बोला भाई एक पेशेंट मेरे पास अभी आया है और काका अभी आया है, थोड़ा इसका साइड हॉस्पिटल में थोड़ा इलाज करा दो, भर्ती कर। तो मैं भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकता, आज मेरा बुखार है। तो बोले गरीब है। बोला ठीक है, अच्छा मैं जाऊँगा, फ़ोन कर देता हूँ, लेके जाओ साइड हॉस्पिटल। मैं बोला नाम बताओ उसका। तो बोले उसका नाम तबस्सुम है और 25 या 26 साल उम्र है। बोला ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर अमृत था CMO और लेडीज़ एक CMO थी, मैंने फ़ोन किया, मतलब इसे पेशेंट नहीं आ रहा, थोड़ा आप देख लीजिए क्या है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन करके रख दिया हमने। फिर लोग गए, क्या हुआ क्या हमको पता नहीं। फिर मैं इनके फ़ोन पे 4-5 कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त है, वो फ़ोन किया, बोला भाई ऐसा नफीस पे एक पेशेंट है मेरा, क्या कहते हैं साइन हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर जवाब दे दिया नगरी में ले गए। तो मैं बोला तबस्सुम है क्या? बोले हाँ। मैं गया साथ में उसके, यकीनन जब मैं गया हूँ ICU में, उसको पूछा हूँ डॉक्टर से, जब गया हूँ यकीनन मेरे शरीर की आधी जान निकल गई उसको देखकर, कि कुछ रुपये 4,000-5,000 खाते तुम साला किसी जान ले लो, गरीब के पास नहीं था। वो बोल रहा था छोड़ दो मैं दे दूंगा, तो छोड़ना चाहिए, छोड़ नहीं सकते हो, बोलते पूरा पैसे जमा करो तब छोड़ूंगा। उसकी जगह मुद्दे पे आ रहा हूँ, जो आपको बोला गया था फोन पे कि उसको ताबड़ अभी एडमिट किया, और आपको पता नहीं था 4 दिन से? मुझे कुछ पता नहीं था, वो मुझे बताया भी नहीं, आपसे झूठ कहा, मुझे झूठ कहा, मुझे भय में रखा उसने। अच्छा। मुझसे खाली दो बातें बोले ज़्यादा सीरियस है, थोड़ा ले लो अभी के अभी आइए, और मैं फ़ोन दे दिया उसको, बात के मोल जब फ़ोन कर देता। मैंने फ़ोन किया ताबड़तोड़, और उसको ले गए ताबड़तोड़ डॉक्टर ले देकर ICU में ले गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा, बोले ICU में गई, तो मैं खुद हैरान हो गया कि कितना डॉक्टर पे एंडिवेटर में ले जाना, तो वो मतलब सीरियस है पेशेंट। तो मैं और भाभी ऊपर गया, और हमारा गनी भाई भी था ऊपर, हम लोग गए, और एक चढ़ के जब मैं ICU में के अंदर जब पेशेंट को देखा, तो पेशेंट तो ऐसा लगता कुछ है नहीं। मैं बाहर निकला, मैं बोला यार ये तो पेशेंट एकदम ख़राब कर दिया। तो मैंने एमओ को बुलाया, बोला भाई ये डॉक्टर ने जो मेरे साथ किया गलत किया, ये आपका डॉक्टर आपका इलाज करने से पहले उसको देख लो कि आपके पास इलाज हुआ हो नहीं हुआ है, और डॉक्टर ने नगरी वाले ख़राब करके भेजा, पहले आप समझ लो इस चीज़ को, डॉक्टर को समझ लो, क्योंकि डॉक्टर का नाम बताया था आपको? मैं डॉक्टर से उसका नाम नहीं जानता हूँ, सालिम करके, सालिम है हाँ, वो मैं पहचानता हूँ, उसको बता दूँ जो बात करता है मेरे से, बात किया मैं सामने खड़ू कि आदमी मेरे से बात किया है। पहली बात तो 2,000-4,000 या 10,000 भी हो साले, तुम मुसलमान हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो, नहीं गरीब के पास था। जब एक आदमी गया कि जिम्मेदारी करने के बाद मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ सकते हो, और उसका एकदम जब लड़की की जान निकले तुम सर्विस पर भेज रहे हो, भी एम्बुलेंस भी नहीं टैक्सी भेज रहे हो। तो ऐसे हॉस्पिटल को कड़ी से सजा होना चाहिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत रही मैं हॉस्पिटल के लिए मैं गवाह लिए खड़ा हूँ। उसने यही चीज़ बोला कि नॉर्मल टेंशन मत लो, BP बराबर है, ब्लड भी बराबर है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब रात में हुई तो रात का टाइम ग्लूकोज उसने मुझसे मंगाया, बाहर से मैं लेके आया, और उसके बाद दवा चालू किया, तो मेरी बीवी के सीने में दर्द ज़्यादा हो रही थी। तो मैं उसको ये चीज़ बोला, डॉक्टर साहब आप कल से दवा दे रहे हो और अभी तक मेरी बीवी की दर्द जो थी वो कम नहीं हो रही है। तो उसने बोलता है बेटा दवा आप अभी दिया हूँ तो एक बार की कैसा आराम होएगा, आराम से आराम होएगा। तो मैंने कहा इतना भी नहीं होता है कि इंसान को अगर 12 घंटा हो जाए, 12 घंटे के बाद भी अगर आराम ना मिले तो फिर क्या मतलब यहाँ पे लगे मैं आया हूँ। आपकी बीवी कितने दिन तक वहाँ पर एडमिट थी? मेरी बीबी वहाँ पे एडमिट थी शायद 3 दिन तक थी। 3 दिन बाद उसने रिचार्ज किया था, वो भी कितना 7:15 बजे उसने रिचार्ज किया। जैसे आपने कहा था कि आपने उससे पहले कई बार आपने उसे रिचार्ज मांगा था, हाँ, तो रिचार्ज नहीं दिया, इसकी वजह क्या बताया आपको? मैं उससे मांगा रिचार्ज, मतलब भाई कर दो, मेरे को पैसा नहीं है। तो उसने क्या बोला मेरे को, आप जब तक पैसा ला के दोगे जब तक मैं रिचार्ज नहीं करूँगा। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पास अभी टाइम पैसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ से मांगा, कितने आदमी से मैंने पैसे मांगा जो मेरे पहचान वाले थे, तो उनने बोले भाई देखो अभी इतना टाइम मेरे पास अभी इतना पैसा है नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास मैं गाड़ी उसको बेच के लेके आपको 2 से 3 दिन में पैसे दे दूँगा, आप मेरे पेशेंट को रिचार्ज कर दीजिए। तो आखिरी सवाल, जैसे आप जानते हो कि पेशेंट जब हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया था उसके में डॉक्टर एक नर्स होती है और उनकी खुद की एम्बुलेंस होती है, तो क्या उनकी खुद की एम्बुलेंस थी और डॉक्टर नर्स आपके साथ में आए थे? नहीं, ना डॉक्टर मेरे साथ में आया, ना कोई नर्स मेरे साथ में आई थी, ना कोई एम्बुलेंस आई थी। एम्बुलेंस वाले को उसने फ़ोन लगाया तो मेरे मोबाइल से फ़ोन लगाया, और उसने बोला भी था कि हॉस्पिटल का नाम मत लेना, बोलना कि मैं बाजू वाली बिल्डिंग से बोल रहा हूँ तभी तुम्हारे पास एम्बुलेंस आएगी वरना नहीं आएगी। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैं गया बाहर से टैक्सी लेके आया, मैं खुद टैक्सी ले गया, टैक्सी में बिठाने के बाद मैं फटाफट लेके गया साइन हॉस्पिटल। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ पे अंदर लेके गया, उसके दो आदमी वहाँ मौजूद थे साइन हॉस्पिटल में, उसने बोला था कि भाई जा रही मेरी पेशेंट, इसको फटाफट इमरजेंसी वार्ड में ले लो।
आप जब टैक्सी में गए तो आपके साथ में कोई भी बंदा नहीं था, साथ में डॉक्टर नर्स कोई नहीं थी? नहीं, मेरे साथ में कैसा था, एक आदमी था जो मतलब आगे बाटला पकड़ा हुआ था, ऑक्सीजन का एक बाटला होता है, वो पकड़ के आगे बैठा हुआ था और मैं अपनी बीबी को लेके पीछे बैठा हुआ था, ऐसा था। डॉक्टर नर्स नहीं थी? डॉक्टर नहीं था ना, ना कोई नर्स थी ना कोई डॉक्टर था। वो जो साथ में मेरे था ना, एक वो घड़ी वाला था, एक आम आदमी था वो, उसको उसने भेजा मेरे साथ। बिल्कुल गलत बात है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे लेकिन वो रात में सुबह में 6 बजे उसको कहा कि भाई आपको शिफ्टिंग करना है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी साइन में कोई देखेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी, हम लोग सुबह में जाएंगे। सुबह में 10 बजे भी मैं आया हॉस्पिटल में, तो मैंने उसको देखा, मैंने अपने ही हॉस्पिटल के पैसे से उसकी सोनोग्राफी करवाया। अगर पैसे का इशू होता है तो सोनोग्राफी हॉस्पिटल बैर नहीं करता। 3 बजे उसको कंसल्ट सर्जन ने देखा, 4 बजे उसको फिजिशियन ने देखा। अगर पैसे की प्रॉब्लम होती तो हम उसको कंसल्टेंट और फिजिशियन को कंसल्टिंग नहीं कराते। तो और उसको अपने पेशेंट्स की बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं थी। वो मैं सुबह में 10 बजे आता हूँ तो आराम से सो रहा है। अगर उसको इतनी फिक्र होती, इतने हमने पैसे की डिमांड की थी, तो वो भी कुछ 4 फ़ोन करता, किसी को पैसे की बात करता। और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उसका एक भी रिलेटिव यहाँ पर आया नहीं। सुबह में बात हुई किसी एक आदमी बंदा कोई आया था मिलने के लिए सुबह 6 बजे, उसके बाद में वो बंदा भी दोबारा आया नहीं। अगर हमने इतनी डिमांड की थी, हम इतना वो किए थे, तो कोई ना कोई तो आता हमारे पास, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं छोड़ रहे पेशेंट को। ठीक है, एम्बुलेंस का हमने कोशिश किया, लेकिन 108 का प्रॉब्लम होता है कि हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल शिफ्टिंग नहीं देता है इसके लिए, और वो काफ़ी उसका सैचुरेशन वगैरह ड्रॉप था, इसके लिए हमने अपने स्टाफ के साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में पेशेंट को ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ये रोड इतना पैक हो जाता है यहाँ पर, पूरा एम्बुलेंस आ नहीं सकती रमज़ान की वजह से, और ना कोई गाड़ी जा सकती है, लेकिन फिर भी मुश्किल टैक्सी वाले को अरेंज करके हमने वो किया। जी हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम से है हॉस्पिटल में, वो उनको इंजेक्शन वगैरह भी पता है, उनको इंजेक्शन वगैरह क्या है नाम वो भी पता है, नॉन मेडिको है बट काफ़ी जानकारी है उनको, लेकिन इंजेक्शन तो कुछ देना नहीं था, बस पेशेंट हमको वहाँ पे शिफ्ट करना था।